तो गाइस मॉर्टल कॉम्बैट 11 की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। यस गाइस, मॉर्टल कॉम्बैट 11 अपना नेक्स्ट डीएलसी पैक रिलीज करने वाला है, जिसमें हमें मॉर्टल कॉम्बैट 11 की स्टोरी का एक्सटेंडेड वर्जन मिलेगा विद सम कैरेक्टर्स, स्टेज फेटेलिटीज, फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स ऑसम कॉस्ट्यूम्स। तो कल ही मॉर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टर मैथ का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसे देख के मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया। हमें एक ही गेम में दूसरा स्टोरी मोड खेलने को मिलने वाला है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेलर। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है मॉर्टल कॉम्बैट 11 की एंडिंग के साथ, जहां पर ल्यू कैंग एंड रेडन न्यू हिस्ट्री क्रिएट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर अचानक शैंग त्सुंग आ जाता है विद फ्यूजन एंड नाइट वुल्फ, और ल्यू कैंग को रुकने के लिए कहता है। शैंग त्सुंग कहता है कि ल्यू कैंग ने क्रॉनिका के साथ उसका क्राउन भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और बिना उसके क्राउन के वो हिस्ट्री को रिराइट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको शैंग त्सुंग को टाइम में वापस भेजना पड़ेगा ताकि वो टाइम में वापस जाकर क्रॉनिका का क्राउन वापस लेकर आए। इसके बाद रेडन कहता है कि हम स्नेक की बातें क्यों सुन रहे हैं, जिस पर शैंग त्सुंग जवाब देता है कि ये वो स्नेक है जो क्रॉनिका के सीक्रेट्स को जानता है। इसके बाद हमें फूजिन एंड शिवा का गेम प्ले देखने को मिलता है। इसके बाद हमें सिंडेल रिजरेक्ट होती हुई दिखाई देती है, जिसको ऑफकोर्स शैंग त्सुंग ने किया होगा। इस क्लिप में सिंडेल थोड़ी नॉर्मल रूप में दिखाई देती है और थोड़ी कन्फ्यूज भी, जिसका मतलब ये है कि शायद सिंडेल को फिक्स कर दिया गया है। इसके बाद फूजिन एंड शैंग त्सुंग के कुछ फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं, जो कि साफ उनके एडवेंचर्स को दिखा रहे हैं जो कि वो पास्ट में जाके करेंगे। यहीं पर फूजिन को शैंग त्सुंग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उसी टाइप का बंदा है। अगले सीन में हमें स्कॉर्पियन एसिड में डूबते हुए दिखाई देता है, लेकिन ये बस एक स्टेज फेटेलिटी है, ये स्टोरी मोड का पार्ट नहीं है, जो कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि स्टेज फेटेलिटीज़ आर बैक। इसके बाद कुछ और फाइटिंग सीन्स। इसके बाद क्रोनिका कह रही है कि शैंग त्सुंग बहुत ख़तरनाक है, मुझे डाउट है कि उसके दोस्तों को ये पता है, जिससे साफ पता चलता है कि शैंग त्सुंग के कुछ अपने अलग ही प्लान्स हैं। और इसके बाद अगले सीन में शैंग त्सुंग कहता है कि कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मैं भी नहीं। और उसके बाद रोबोकॉप रिवील एंड देन फ्रेंडशिप, जो कि पुराने मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स में होती थी, और वो वापस आ चुकी हैं, एंड देन सम ऑसम कॉस्ट्यूम्स एज वेल। तो मॉर्टल कॉम्बैट 11 आफ्टर मैथ की स्टोरी कुछ इस तरीके से है। ल्यू कैंग शैंग त्सुंग और उसके अलायंस को पास्ट में भेजेगा ताकि वो क्रॉनिका का क्राउन ला सके, और अब ल्यू कैंग और रेडन को सिर्फ इंतजार करना है कि शैंग त्सुंग क्रॉनिका के क्राउन के साथ कब लौटता है। लेकिन इस बीच शैंग त्सुंग क्या क्या करेगा, ये तो वही जाने। तो गाइज, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।